आज के इस भागदौड़ वाले समय में हम लोग दो एक घंटा अपने लिविंग रूम में रहते हैं, महिलाएं हमारे घर की किचन में रहती हैं और जेंट्स अपने काम पे चले जाते हैं। लौट के जब हम आते हैं 24 घंटे में कम से कम 6-8 घंटे तो हम अपने बेडरूम में जरूर रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि बेडरूम की हवा कैसी है? हम बात करेंगे आज अपने बेडरूम की हवा को हम शुद्ध करें ताकि हम सेहतमंद जिंदगी जी सकें। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने मिलने जुलने वालों को ये शेयर अवश्य करें ताकि मेरा हर वीडियो आपको और आपके मिलने वालों को बिल्कुल समय पे पहुंच पाए। आज हम शुरू करेंगे अपने बेडरूम की हवा को एकदम शुद्ध करना, पोल्यूशन ख़त्म करना, और बिल्कुल कोई भी उसमें कृत्रिम बात नहीं होगी। पौधों से हम कुछ ऐसे पौधे बताएंगे जो आपके बेडरूम के कम रोशनी वाली जगह में तो चलेंगे ही लेकिन वातावरण को शुद्ध करेंगे। वैसे तो बेडरूम में और कम लाइट में रखने के लिए जिन पौधों की हम बात करें उनकी लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन हम केवल टॉप 6 उन पौधों की बात करेंगे जो सिर्फ आपके आसपास की छोटी बड़ी हर नर्सरी में उपलब्ध हो, कम पैसे का हो, मेंटेनेंस में कम परेशानी हो और वातावरण को शुद्ध करे। इस कड़ी में सबसे प्रथम आता है स्पाइडर प्लांट, जिसको हम क्लोरोफाइटम भी कहते हैं। बहुत आसानी से उपलब्ध है आसपास की नर्सरी में और बहुत कम मेंटेनेंस है। इसके बारे में अगर बहुत लंबा चौड़ा आप जानकारी चाहते हैं तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है जिसका लिंक नीचे है, आप देख सकते हैं। अगर हम बेडरूम में रखने के लिए आज बात करें तो ये पौधा आप पानी में भी रख सकते हैं अथवा मिट्टी में भी उपजा सकते हैं। इसकी मिट्टी कैसे बनेगी ये भी मैंने अपने सीरीज में बताया है। ये पौधा नासा के जो अप्रूव्ड लिस्ट है कि हवा को शुद्ध करता है उसमें इसका नाम प्राथमिकता से है। यह पौधा कार्बन मोनोऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड को हवा से शोषित करता है। इन गैसों से हमें गले की बीमारी, खराश, टॉक्सिन और पता नहीं किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जिनको ये पौधा अगर उन गैस को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो स्वाभाविक रूप से हम उस बीमारियों से बच सकते हैं। अगर हमारी बेडरूम के हवा में फॉर्मल्डिहाइड है, जो कि कई बार कपड़ों में, कागज में, वुडन चीज़ों में जो हमारे बेडरूम में होता है उनमें से भी निकलती हैं, तो यह गैस हमारे नाक में, आँख में, गले में जलन पैदा कर सकती है। इस गैस को भी शोषित करने की क्षमता इस पौधे में है। और एक तो सस्ता है, देखने में ऑर्नामेंटल खूबसूरत है, मेंटेनेंस कुछ खास है नहीं, तो हमारे बेडरूम में रहने से हमें बड़ी शांति की नींद आती है और हमें सुकून मिलता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि ये सस्ता और प्यारा पौधा अपने बेडरूम में अवश्य रखें। इस कड़ी में दूसरा पौधा है ये प्यारा सा हमारा एलोवेरा। ये सैक्युलेंट परिवार का सदस्य है। आज के स्थिति में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो एलोवेरा से परिचित नहीं होगा। अगर आपके पास गार्डन नहीं है, पौधे नहीं है, तो भी आप टीवी में रोज एड में देखते होंगे कि हमारे साबुन में, तेल में और पता नहीं कहां कहां एलोवेरा का प्रयोग होता है। इसकी मोटी मोटी स्पॉन्जी जो पत्तियां हैं इसके अंदर जेल होता है। यही जेल हमारे शरीर में, अगर हम घरेलू उपचार में समझें तो जले कटे में, छोटे मोटे कहीं अगर जल जाए किचन में किसी का, बालों में, हर तरीके से ये जेल का प्रयोग करते हैं। मेडिसिनल प्लांट है जो कि काफ़ी जगह प्रयोग में आता है। हम अगर इसकी बात करें आगे की तो ये भी नासा के उस लिस्ट में है जिसमें कहते हैं कि हवा को शुद्ध करते हैं, तो ये पौधा भी हवा को शुद्ध करने वाला ही है। यह पौधा रात को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिलीज करता है, हमारे सोते हुए भी यह काम करता है हमारे बेडरूम की हवा को शुद्ध करने का। मेडिसिनल प्लांट है, हर जगह इसका प्रयोग होता है, लेकिन डायरेक्ट सीधे तौर पे अगर छोटे बच्चे या कोई पेट्स वगैरह इसको कंज्यूम करते हैं
तो हल्की वोमिटिंग या कोई डायरिया वगैरह की संभावना है तो कृपया उनसे बचा के रखें। यह पौधा आपके आसपास की नर्सरी में बहुत ईजी और बहुत सस्ते में मिल जाता है और बहुत, लेकिन थोड़ा स्लो ग्रोथ है इसका, लेकिन जब ये ग्रोथ करता है तो बहुत तेज़ी से इसके पप्स निकलते हैं, उससे हम 2 से 4, 4 से 8 बनाते हैं। इसकी सॉयल कैसी हो, इसका एटमोसफियर कैसा हो, क्या क्या इसके बारे में और चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आवश्यकता हो तो कृपया अवश्य देखें। इस कड़ी में तीसरा नाम है स्नेक प्लांट का, सेंसोवेरिया। ये छोटे पौधे भी मिलते हैं, छोटे आकार में, बड़े भी मिलते हैं, इनसे लंबे भी मिलते हैं। इस तरीके से स्टार स्नेक प्लांट भी है, बोटैनिकल नेम इसका सेंसोवेरिया है। यह प्लांट नासा के अप्रूव सूची में है कि यह हवा को शुद्ध करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बेडरूम की हवा बिल्कुल शुद्ध हो जाए तो ये पौधा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यह पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे ही ऑक्सीजन में चेंज करता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन आपको देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से हटाने के अतिरिक्त भी और कई जहरीले गैस को यह पौधा शोषित करता है। फॉर्मल्डिहाइड वगैरह, इस तरह के जो गैस होते हैं, इनको भी ये शोषित करता है। पौधा आसानी से आपके आसपास की नर्सरी में उपलब्ध है, कम खर्च का है, सस्ता पौधा है, आपके बेडरूम के लिए आइडियल है। आप इसको अपने बेडरूम में अवश्य रखें। इस पौधे के बारे में अगर पूरी और कोई जानकारी चाहते हैं तो इसके संबंध में मेरा एक विस्तृत वीडियो है जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। इसके रख रखाव 1 से 2, 2 से 4 कहते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी बातें उसमें दी गई हैं। इस पौधे को हम मिट्टी अथवा पानी दोनों में ही लगा सकते हैं। इसके कई वेरिएंट आजकल आते हैं, ये छोटा स्टार है, बड़ा भी आता है, लंबा भी आता है। आप अपने कमरे की जगह को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए इस पौधे को अवश्य रखें। इस कड़ी में चौथा नाम इस पौधे का है जिसको हम पीस लिली कहते हैं, बोटैनिकल नेम इसका स्पेथिफाइलम है। यह पौधा इस तरीके से मिट्टी में अथवा इस तरीके से पानी में दोनों ही बड़ा प्यारा ग्रो करता है। बहुत महंगा नहीं पौधा है। इसकी हरी पत्तियाँ, जब इस पर आप थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देते हैं और इसमें जो ये खिलता हुआ सफ़ेद, कई बार इसमें हल्का हरा भी फूल आता है, ये फ्लावर यूं ही आपके बेडरूम की शोभा बढ़ा देंगे। इसके अगर हम गुणों की बात करें, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि नासा की अप्रूव्ड सूची में इसका नाम है कि हवा को शुद्ध करता है। हवा से कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और इस तरह के कई गैस को शोषित करने में ये पौधा बहुत ही सक्षम है। ये सारे गैस हम अपने घर में खुद ही बनाते हैं। बनाने का मतलब है, जब आप घर में पेंट कराते हैं, वार्निश, पेंट, नेल पेंट, रिमूवर, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में याद करते हैं। कभी आप याद कीजिए, जब आपने घर में पेंट कराया होगा तो 6 महीने तक आपको उस गैस ने परेशान किया होगा, उस बदबू ने परेशान किया होगा। कई बार महिलाएं बेडरूम में बैठ करके नेल पेंट लगाती हैं अथवा नेल रिमूवर लगाती हैं, उनकी गैस आप देखिए, घंटों आपको उसकी गैस का फ्लेवर महसूस होता है। ये सब वो गैस हैं जो हमारे सेहत को नुकसान करते हैं, हमारे गले में, हमारे नाक में, हमारे आँख में और ब्रीदिंग में नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह पौधा इन सब गैस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। इतना गुणकारी अगर ये पौधा है तो क्यों ना हम अपने बेडरूम में इसे रखें। कम मेंटेनेंस है इसके बारे में। अगर मेंटेनेंस की सारी आप बात जानना चाहते हैं तो उसका एक अलग वीडियो भी मैंने बना रखा है जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आवश्यकता हो तो कृपया देखें और इस पौधे को अपने बेडरूम में कोई स्थान अवश्य दें। और इस कड़ी में पांचवा नाम आता है मनी प्लांट का। हम सबका चहेता मनी प्लांट बहुत कम पैसे में बहुत आसानी से उपलब्ध है। इसके कई कलर आते हैं मेरे पास, ये वेरीगेटेड है, इसके गोल्डन आते हैं, ग्रीन आते हैं, कई कलर आते हैं। इसको आप पानी में इस तरीके से लगा सकते हैं, मिट्टी में लगा सकते हैं, इसके मॉस स्टिक पे लगा के आप लंबा भी खड़ा कर सकते हैं, जो कि आपके बेडरूम में जैसी जगह हो वैसा इसको शेप एंड साइज का आप बना सकते हैं। नासा की अप्रूव्ड सूची में इसका नाम भी प्राथमिकता पे है कि यह पौधा हमारे घर की हवा से अशुद्धता को शुद्ध करता है, वो गंदी हवाओं को ये शोषित करता है और हमें चैन की नींद देता है। क्योंकि बहुत इजी अवेलेबल है, बहुत आसानी से ग्रो होता है, किसी तरीके से आपने कटिंग काटी और ये पौधा तैयार हो जाता है।
इतना कुछ ये फायदा अगर देता है मनी प्लांट आपको, वास्तु का हिसाब से देखें तो मनी प्लांट कहते हैं कि घर में रखने से मनी भी अर्जित होती है। तो इस तरह के पौधे को अगर हम अपने बेडरूम में रखते हैं तो आवश्यक रूप से जो हमारी बेडरूम की हवा है उसमें जो गंदी हवाएं हैं, जो गंदे टॉक्सिन हैं, उनको अगर ये शोषित करता है तो इस प्यारे से पौधे को हम बेडरूम में अपनी जगह क्यों न दें। कृपया इसको आप अपने बेडरूम में आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा, पानी में, मिट्टी में, कहीं भी जरूर लगाएं। ये पौधा आपके बेडरूम में आपको चैन की नींद अवश्य देगा। इस पौधे के बारे में भी अगर आप कोई विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, कृपया जरूरत हो तो अवश्य देखें। और इस कड़ी में छठा पौधा है ये रबर प्लांट, जिसका बॉटनिकल नेम फाइकस इलास्टिका है। यह पौधा भी नासा द्वारा अप्रूव्ड एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की सूची में आता है। बहुत अच्छा पौधा है। वैसे तो ये पौधा बाहर भी रख सकते हैं और बहुत लंबा होता है, कटिंग करते जाइए, दरख्त की तरह, वृक्ष की तरह होता है। लेकिन अगर आप इसे बेडरूम में रखते हैं तो ये ट्रिम भी कर सकते हैं, अपनी पसंद की हाइट के हिसाब से इसको ट्रिमिंग करके बना सकते हैं। अमूमन ये मेरे पास में है बरगंडी कलर, इसका ग्रीन कलर आता है, वेरीगेटेड आता है। अमूमन ये बरगंडी कलर ही ज़्यादा आसपास की नर्सरियों में और इकोनॉमिकल रेंज में मिल जाता है, आप इसे रख सकते हैं। बहुत अच्छा पौधा है, कोई ज़्यादा मेंटेनेंस में इसकी परेशानी नहीं है, मिट्टी में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। वेल ड्रेनेज मिट्टी रखिए और देखिए जब पानी डालिए तो ड्रेनेज आपका खुला हुआ हो ताकि पानी इधर से निकल जाए। आप चाहें तो आजकल की जैसी गर्मियां हैं नॉर्थ इंडिया में, तो इन गर्मियों में तीसरे चौथे दिन इसमें वाटरिंग करनी पड़ेगी। हो सके बेडरूम में तो ऐसी जगह रखिए जहाँ से छनी हुई धूप आती हो, ऐसा कोई अगर खिड़की हो बेडरूम में तो वहाँ पर रखिए, अन्यथा 4-6 दिन के बाद एक बारी से सुबह और शाम की धूप दिखा दीजिए। दोपहर की जो 11 बजे से 3 बजे 4 बजे की कड़ी धूप होती है वो धूप इसे पसंद नहीं है। वैसी धूप में ये पौधा, इसकी पत्तियां जल जाएंगी, खराब हो जाएंगी। अगर इसी तरह हरा भरा रखना है तो जो शीशे से छन की आती है रोशनी, ब्राइट लाइट और थोड़ी सी कंट्रास्ट लाइट भी आगे चलेगा, तो उस जगह इसको रखिए। बहुत प्यारा पौधा है आपके बेडरूम के लिए। आज जो हमने आपसे 6 पौधे की बात की, वैसे तो सारे ही पौधे इंडोर के हैं, चलते हैं इंडोर में, लेकिन अगर आप थोड़ा समय निकाल के शनिवार एतवार किसी दिन भी सुबह या शाम की धूप इसे 2-3 घंटे की दिखा दें, बाहर रख दें और रात भर बाहर रहे और सुबह फिर आप अंदर रख लें, और अच्छा ये रिजल्ट देते हैं पौधे आपके शयन कक्ष में, आपके बेडरूम में रखने के लिए। जिन 6 पौधों को मैंने आपको दिखाया है, जिसके बारे में मैं बताया है, मैंने काफ़ी कम कीमत के हैं, आपके आसपास उपलब्ध हैं, इजी टू ग्रो है। इन पौधों को अपने कमरे में, बेडरूम में आप अवश्य रखें। आशा है मेरा यह वीडियो आपको आपके काम का होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो अपने मिलने जुलने वालों को इन्हें ज़रूर आप फॉरवर्ड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, पूरा वीडियो मेरे साथ देखने के लिए, मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नए वीडियो में। धन्यवाद।